हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरी भेज रहे हैं कि भैया आपने सीयूईटी का बैच स्टार्ट कर दिया पर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं डाली है, जबकि आप एएमई बीटेक और एएमई बीएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। हर टॉपिक पर आप वीडियो डालते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, बैच कैसे ज्वाइन करें, सब डालते हैं। तो आज उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको सीयूईटी से जितने भी बीटेक के टॉप क्लास कॉलेज हैं सारे कॉलेजेस बताऊंगा, और उन कॉलेजों में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, किन डोमेन के सब्जेक्ट से वो कॉलेजेस आपको एडमिशन देंगे, वो सारी की सारी मैं बातें बताऊंगा। और आपको प्रिपरेशन करने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है नी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, आप केवल इतना सा काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो वीडियो आप लोग देख रहे हो उस वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारे लिए यही मोटिवेशन का काम करता है। हम सोचते हैं कि बच्चों को हमारा काम पसंद आ रहा है तो फिर हम और मेहनत करते हैं उन बच्चों के ऊपर। तो एक छोटा सा आप एफर्ट डाल सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ ललित, करंटली परसिंग माई बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं बीटेक कर रहा हूँ बेटा एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इंडिया की टॉप रेपुटेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया। मेरे पास में जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस है बेटा, वो टीचिंग एक्सपीरियंस है 4 साल का। पिछले 4 साल से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे, और अच्छा खासा सिलेक्शन भी निकल पाया मैंने उन बच्चों का। टॉप ग्रेड की रैंक निकली है मैंने पिछले साल ही एमई बीटेक के टेस्ट में, वो भी ऑनलाइन पढ़ा के। हम लोग कोई भी ऑफलाइन बिजनेस नहीं करते हैं बेटा, हमारा जो भी टोटल बिजनेस है एजुकेशन का वो सारा का सारा ऑनलाइन है, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन। अगर आप सीयूसीटी से बीटेक करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप उसको फिल कर देना और अपना पर्सनल नंबर दूंगा, कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैं जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सब्जेक्ट्स हैं मेरे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और मैथमेटिक्स है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स है। किन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, अगर आप एमए बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा, सीयूसीटी से बीटेक और बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जेईई मेन जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा खासा मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा बच्चे का टाइम खराब नहीं करता, टू द पॉइंट स्टडी कराता हूँ, 3-3 महीने के क्रैश कोर्स लेके आता हूँ और उन्हीं से मैं बच्चों की रैंक प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है नहीं। मैं उनको वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, फालतू की कोई बातें नहीं चलती हैं बेटा यहाँ पे। तो अब मैं आपका सीयूईटी से जितने भी कॉलेज हैं जो बीटेक में कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। चलो, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, टॉप रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है बेटा। ये जो आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है बीटेक के अंदर, वो सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है बेटा, सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप लोगों को ऑफर कर रही है। पांच पांच कोर्सेज ये सीयूईटी के थ्रू आपको ऑफर कर रही है। देखने वाली बात बड़ी अजीबो गरीब है, जब मैंने इसके सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट देखी ना, ये किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर बेटा आपको एडमिशन देगा, तो मैं देख के चौंक गया, जनरल टेस्ट के मार्क्स पर एडमिशन देगा। इसको कोई लेना देना नहीं है आपके फिजिक्स में मार्क्स क्या हैं, आपके केमिस्ट्री में मार्क्स क्या हैं बेटा, और आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या हैं, इसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, इसे लेना देना है आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स से, बस के। बड़ा अजीब सिलसिला है, जिस इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जिस इंजीनियरिंग का बेस ही बेटा मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके बेस जो एबीसीडी की तरह इंजीनियरिंग के अंदर पूरा यूज होता है, उसको छोड़ के ये लोग जनरल टेस्ट के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं। तो बड़ा अजीब गरीब सिलसिला है भाई इनका, क्योंकि सीयूईटी ने ना बेटा हर कॉलेज को एक राइट दे रखा है, उसने राइट दिया है कि आप अपने जिस भी कोर्सेज में बच्चे को एडमिशन देना चाह रहे हो आप उसका सब्जेक्ट खुद डिसाइड करोगे। तो ये चीज़ उसका साइड इफेक्ट है बेटा, देख लो, जब इन्हें पता चला राइट हमारे पास में है तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री से ले रहे हैं, मैथ से ले रहे हैं, तो हम लोग किससे ले रहे हैं, जनरल टेस्ट से ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हब है वो आईआईटी है बेटा, ठीक है नहीं। आईआईटी टॉप क्लास है, इससे ऊपर कोई नहीं है बेटा इंडिया के अंदर। तो सोचो जो सबसे ऊपर है, जब वही एडमिशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेता है तो ये तो सब बेटा उससे नीचे ही आते हैं। तो ये लोग किस पे एडमिशन दे रहे हैं, जनरल टेस्ट के मार्क्स पर दे रहे हैं। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में, तो मेरी एक बात याद रखना, आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना, ठीक है। आपको कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कि उनमें आप क्या स्कोर कर रहे हो, आपका स्कोर मैटर करता है जनरल टेस्ट का। पहली यूनिवर्सिटी थी बेटा ये हमारी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। चलो, दूसरी यूनिवर्सिटी है आपकी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी,
अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अपनी अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो आपके पास में हो, जहाँ से आप कंफर्टेबल हो बेटा पढ़ाई करने में। आप उस वाले कॉलेज को अपने उसमें फॉर्म में फिलअप करना, डालना तो सारी की सारी पर प्रायोरिटी ऑर्डर रखना ऊपर नीचे। ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो बेटा आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है, वो कोर्सेज ऑफर कर रही है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चार चार कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रही है। इसके भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो जो आपके डोमेन सब्जेक्ट से जो एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज, ये आपके स्लॉट 1 के केवल लैंग्वेज वाले से ले रही है, केवल इंग्लिश के मार्क्स से ले रही है। स्लॉट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रहे हो, उसमें जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स के बेसिस पर बेटा ये क्या लेगी, आपका एडमिशन लेगी। तो देखो ये भी अजीब वरीब बात है कि आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो पर आपके मार्क्स किस में अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश में। इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो ये कॉलेज आपको क्या करेगी, उस मार्क्स के बेसिस पर आपको बेटा एडमिशन देगी। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग चूज कर सकते हो। जिनको जो कंप्यूटर साइंस लवर हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस से बीटेक करनी है, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर वीक हो तो। ठीक है, बढ़िया यूनिवर्सिटी आप कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो मैंने यूनिवर्सिटी रखी वो रखी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। ये जो आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है, ये यूनिवर्सिटी जो आपको कोर्स ऑफर कर रही है, वो आपको कर रही है बीटेक इन एग्रीकल्चर और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। इसके भी जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और अगर बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हो यहाँ से बेटा, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा, बायो वाला भी डोमेन सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा और उसका भी टेस्ट देना पड़ेगा। इन चारों के मार्क्स के बेसिस पर ये यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन देगी। शायद एग्रीकल्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पर ये क्या देने वाली है, आपको एडमिशन देने वाली है। तो अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में अगर इंटरेस्टेड हो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो मेरी एक बात याद रखना, आपके जो डोमेन सब्जेक्टों के मार्क्स रहेंगे वो ये चार सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, नहीं बहुत सारे बच्चों को डाउट है भैया क्या पढ़े हैं, क्या छोड़े हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आप कॉलेज की रिक्वायरमेंट देखो ना, कॉलेज आपसे मांग क्या रहा है, जो सब्जेक्ट्स मांग रहा है वो। अगर आप एक साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड हो तो इन सारे सब्जेक्टों को बेटा लिस्ट आउट करना, सारे के सारे सब्जेक्ट लिस्ट आउट करना, उसके बाद देखना कि अब यूनियन बना लेना सबका, फिर सबको फिल करना। आपको अगर जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, अगर आपने छोड़ दिया ना बेटा तो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगी। तो याद रखना सारे सब्जेक्ट, मैं आपको यूनियन करके बाद में बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अपने उसमें फिल करने चाहिए, अगर आप बीटेक के सारे कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, कि कोई भी मिल जाए भैया मुझे। फोर्थ नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो IIMT ग्रेटर नोएडा, इसकी एक ब्रांच ग्रेटर नोएडा में है, तो मैंने ग्रेटर नोएडा वाली ही उठा ली है पिक, कि आप ग्रेटर नोएडा से बीटेक कर सकते हो। कोर्सेज क्या ऑफर करती है, कोर्सेज ये ऑफर करती है बेटा आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर करती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती है, ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CE आपको सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करती है बेटा, EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफर करती है, और AE मतलब एरो स्पेस। समझ रहे हो, नहीं पहली ऐसी है जो एरो स्पेस इंजीनियरिंग कराती है आपको। ठीक है, नहीं तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिनका इंटरेस्ट है बेटा हवाई जहाज़ वगैरह में, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ प्लेन्स वगैरह में, आपके लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी, आप लोग जा सकते हो। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी लगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केवल 3 सब्जेक्ट डोमेन के देखेंगे, इनके मार्क्स के बेसिस पर बेटा ये आपको क्या करेंगे, एडमिशन देंगे। बढ़िया यूनिवर्सिटी है यार, टॉप यूनिवर्सिटी है। अंडर दिल्ली में जो भी यूनिवर्सिटी आती है ना बेटा, वो टॉप यूनिवर्सिटी होती है, इनके प्लेसमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, कंपनियाँ जल्दी पिक करती हैं यहाँ से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बेटा। ठीक है, कंपनियाँ जल्दी आपको पिक करेंगी, अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो, आप अच्छे खासे पैकेजेस में उड़ जाते हो। ठीक है, यानी तो क्या क्या है, 4 और 2 छः, 6 ब्रांचेज ये क्या कर रहा है, बीटेक की ऑफर कर रहा है। किसी भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को फिल करके रखना बेटा। ठीक है, फोर्थ नंबर वाली थी। फिफ्थ नंबर वाली यूनिवर्सिटी जो आपकी है, बहुत ही टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी है यार, इसने कुछ ही ब्रांचेज अपनी बीटेक की CUET से दी है, बाकी सारी ब्रांचेज बेटा IIT एडवांस से एडमिशन होता है इसमें, एडवांस के स्कोर से। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो एडवांस के बच्चे जाते हैं इसमें IIT एडवांस से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, कोर्सेज जो ऑफर दिए हैं इसने CUET को, वो कोर्सेज दिए हैं इसने 2, फूड टेक्नोलॉजी दे दिया अपना बेटा,
और डेयरी टेक्नोलॉजी दे दिया, मतलब लोअर ग्रेड के कोर्सेज आप लोगों को दे दिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना ये कोर्सेज लोअर ग्रेड के कोर्सेज हैं, आप बेटा एक गलती करते हो, कोई भी कोर्सेज छोटा नहीं होता, हर कोर्स की मार्केट डिमांड है। अगर उसकी मार्केट डिमांड ना होती ना बेटा तो वो कोर्स बनता ही नहीं। ये कॉलेजेस इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखते हैं, इतनी सारी चीज़ें मशीनरी बना के रखते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फैकल्टी डिजाइन करके रखते हैं, पूरा डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कराती है यूनिवर्सिटी जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। अगर इसकी मार्केट डिमांड ना होती ना तो क्यों इसे बनाते। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि इसकी कोई मार्केट डिमांड नहीं है तो आप गलत हो। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा वीक हो और CUCET का पेपर दे दो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉर्मल आते हैं, उसमें आपका स्कोर अच्छा हो, तो आपका सपना रहेगा बेटा कि आपने IIT BHU से अंदर से BTEC किया। मैटर नहीं करता आपकी ब्रांचेस क्या है यार, एक बार आपको एनवायरमेंट मिलेगा ना तो आपके मतलब मान के चलना आपके अपग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। मीडियम पे डिपेंड करता है, IIT जैसा मीडियम मिलेगा तो आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जब आप IIT के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो। ठीक है, याद रखना BHU भरना, फूड टेक्नोलॉजी मिलेगी, डेयरी टेक्नोलॉजी मिलेगी, सब्जेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स के बेसिस पर ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। नाम बहुत है बेटा इसका, नेट पर जाकर सर्च करना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से लोग जानते हैं इसे। फिफ्थ नंबर की यूनिवर्सिटी थी आपकी। सिक्स नंबर पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा। देखो कोर्सेज क्या क्या ऑफर कर रही है, ये आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है, सिविल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। चार चार कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रही है। रिक्वायरमेंट बहुत प्यारी है इनकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीन डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर बेटा ये लोग आपको एडमिशन देंगे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ओवरऑल स्कोर कितना बैठ रहा है आपके अदर कॉम्पिटिटर से। जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटर हैं उनसे अगर ज़्यादा स्कोर रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी आपको BTEC में एडमिशन देगी और आपके स्कोर वाइज ही आपको ब्रांचेस भी ऑफर करेगी। ठीक है, चार ब्रांचेस हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको फिल कर देना और सब्जेक्ट डोमेन में PCM रखना। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। सिक्स्थ नंबर पे, सेवन्थ नंबर पे आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड भाई, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज जो बेटा ये जो आपको कोर्सेज ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है, सिविल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है और बेटा फोर्थ बहुत बेहतरीन मेटलर्जी ऑफर कर रही है। ठीक है, यानी गूगल का जो CEO है सुंदर पचाई बेटा, उसने भी IIT खड़गपुर से मेटलर्जी से BTEC किया हुआ है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ब्रांच कोई भी बेकार नहीं होती, टोटली 4 साल डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ किस हिसाब से रहे हो, आपका ओरिएंटेशन कैसा है पढ़ने को लेके, विजन कैसा है जिसे लेके पढ़ रहे हो। इनके भी सब्जेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है बेटा PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये लोग क्या करेंगे आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर मेजर यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो समझदार यूनिवर्सिटी हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पर ही एडमिशन दे रही है, क्योंकि यार इंजीनियरिंग का जो कोर है ना, कोर है जो, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही तो है। तो जब यही नहीं आएगा तो आप इंजीनियर कैसे तैयार कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो बच्चा मैथ में वीक है फिजिक्स में वीक है तो उसकी तो इंजीनियरिंग ही खराब है, क्योंकि इंजीनियरिंग की शुरुआत ही इन दोनों सब्जेक्टों से होती है। ये तो उसमें ऐसे यूज होते हैं जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में ABCD पढ़ने के बाद, NCKG में ABCD पढ़ने के बाद आगे चल के इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश की बुक में वो ABCD जैसे यूज होती है ना, ऐसे ही इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है यार, अगर आपको कोई BTEC में एडमिशन दे रहा है तो आपका ये एप्टीट्यूड तो उसे जज करना चाहिए कि फिजिक्स में कैसा है और मैथमेटिक्स में कैसा है। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसका एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराती है BTEC+MTEC 5 साल में, मतलब आप BTEC में एडमिशन लोगे, MTEC के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही MTEC भी कराएगी आपको साथ में, 5 साल में आपको BTEC+MTEC दोनों दे देगी। ठीक है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटी बेटा ऐसी होती हैं जो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सिटी है बेटा इस पॉइंट में कि वो क्या कराती है, आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराती है। BTEC में एडमिशन लो, MTEC भी खुद ही कराएगी, BTEC+MTEC इन 5 ईयर। ठीक है, यानी बढ़िया बात है यार, 5 साल में, वैसे करोगे 6 साल में होता है, 5 साल में हो जाएगा। रिक्वायरमेंट वही आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अच्छी यूनिवर्सिटी है। आठवें नंबर पे जो आपकी यूनिवर्सिटी आती है, इससे पहले 7 नंबर वाली थी, ठीक 8 नंबर वाली यूनिवर्सिटी है। 8th नंबर पे मैंने रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कि कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया ये। ठीक है, नहीं जैसे अलीगढ़ की मैं पढ़ रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे कर्नाटका में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। कोर्सेज क्या ऑफर कर रही है ये चीज़ आपके लिए मेन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफर कर रही है, केवल बेटा दो ही कोर्सेज ये आपको क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफर कर रही है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना सब्जेक्ट्स की, बहुत प्यारी रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड की होनी चाहिए ये, यही है। अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी लोकेशन से पास में, तो आप लोग इसे भर सकते हो।
नाइन्थ नंबर पे जो मैंने आपकी यूनिवर्सिटी रखी है वो रखी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा, अच्छी खासी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज जो ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफर कर रही है आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरी ब्रांच है जिससे मैं बीटेक कर रहा हूँ, और आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पांच पांच कोर्सेज ये बेटा आपको क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट देखना थोड़ी अजीब सी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो बेटा कंपलसरी हैं, ये दोनों तो कैसे हैं, मस्ट हैं, ये तो आपको देने ही देने हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन दिया है, आप बायो देना चाहो बायो दे दो, केमिस्ट्री देना चाहो केमिस्ट्री दे दो, कंप्यूटर देना चाहो तो कंप्यूटर दे दो। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो आप कंप्यूटर वाला पेपर फिल करके रखना, अगर आप सीएस से करना चाह रहे हो इसके, कंप्यूटर का एक पेपर होगा छोटा सा, केमिस्ट्री कर सकते हो, और अदर ब्रांचेज में इंटरेस्टेड हो तो या तो केमिस्ट्री फिलअप कर देना चाहे फिर आप बायोलॉजी फिलअप कर देना। ये तीन डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर ही बेटा आपको क्या देगी, एडमिशन देगी, ठीक है? नहीं, ये आपके तीन डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर आपको क्या देगी, एडमिशन देगी। तो दे के रखना, फिजिक्स और मैथ तो आपको भरना ही भरना है, इन दोनों के मार्क्स अकाउंट में, इन तीनों सब्जेक्टों में आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है? अच्छी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो इसकी रेटिंग, वेटिंग अच्छी रेटिंग है यार, अच्छी यूनिवर्सिटी है। 10th नंबर पे आती है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक ही कोर्स बेटा केवल ऑफर करती है, कंप्यूटर साइंस, बस खत्म। दूसरे किसी कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, इसके रिक्वायरमेंट बहुत, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट बहुत प्यारी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीन ही सब्जेक्ट पे कोई झंझट नहीं है ज़्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डोमेन सब्जेक्टों के स्कोर के बेसिस पर ये आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आप इसे कर सकते हो, ठीक है? नहीं, यहाँ से आप बीटेक कर सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। 12th नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है, सॉरी सॉरी, 11th नंबर पे जो आपकी यूनिवर्सिटी रखी है मैंने, वो यूनिवर्सिटी रखी है नागालैंड यूनिवर्सिटी। बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं है पर ठीक है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज देखना अच्छे ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दे रही है, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी भी दे रही है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग समझ रहे हो, पांच पांच कोर्सेज ही आपको ऑफर कर रही है। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप ऊपर वाले किसी में करना चाह रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाह रहे हो तो आपके बायोलॉजी के मार्क्स भी क्या करेगी, कंसिडर करेगी। तो ये चार सब्जेक्ट हैं इसके इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के लिए। अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेकार यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी लोकेशन से पास में है तो आप लोग इसे फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग इसे फिल कर सकते हो और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना। मैं बाद में बेटा सारे सब्जेक्ट्स कंक्लूड करके बताऊंगा आप लोगों को कि आपको करना क्या है, प्रिपरेशन करनी कैसे। सबसे बड़ा बेटा इस बार पता है क्या कन्फ्यूजन है, बच्चा यही नहीं समझ पा रहा कि प्रिपरेशन करनी कैसे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सेटअप है, कोई जनरल टेस्ट पे ले रही है, कोई इंग्लिश पे ले रही है, कोई बायो पे ले रही है, कोई मैथ पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। बच्चा कर रहा भैया क्या सारे पढ़ने हैं, 2 महीने बाद तो टेस्ट है, कितना पढ़ूंगा मैं। इसी के लिए हम लोग कोर्सेज लेके आए हैं बेटा, कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दें और आपका सिलेक्शन निकल जाए। 12th नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है वो डीयू की है, डीयू में बीटेक कराते हैं, कल्चरल इनोवेशन सेंटर है ये डीयू का, जहाँ से आपको बीटेक करने को मिलता है। ये जो बीटेक में कोर्सेज दे रहे हैं डीयू वाले, वो केवल दो ही कोर्सेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और मैथमेटिकल इनोवेशन दे रहे हैं, ठीक है? दो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और आपसे जो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं ना डीयू वाले, क्योंकि भाई नाम ही इनका डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी अजीब गरीब है। ये कह रहे हैं सेक्शन 1 से आप कोई भी एक लैंग्वेज दो, हम उसका स्कोर कंसीडर करेंगे, सेक्शन 2 से हम आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का स्कोर कंसीडर करेंगे कि आपका मैथ में स्कोर क्या है, और सेक्शन 3 के मार्क्स करेंगे जो जनरल टेस्ट है आपका वो। अब बताओ आपको सेक्शन 1 का भी पेपर देना है, 2 का भी देना है और 3 का भी पेपर देना है, जब तीनों के स्कोर में जो जितना आपका बेस्ट बैठ रहा होगा उस हिसाब से ये आपको क्या करेंगे, ब्रांचेस ऑफर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीयू का बेटा बहुत नाम है, तो आप इसे भी डाल सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अजीब और गरीब है, आप छोड़ भी सकते हो, अगर आप यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लवर स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग के तो आप छोड़ सकते हो, आपके पास में और भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आप छोड़ सकते हो इसे। 13 नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है BML मंजुल यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी है, बेकार यूनिवर्सिटी नहीं है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन आपको ऑफर कर रही है, कोर्सेज जो ऑफर कर रही है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको ऑफर कर रही है। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट देखना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश तो बेटा कंपलसरी है, ये तीन तो देने ही देने हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी चॉइस है, किसी भी एक को भर सकते हैं। इन चार सब्जेक्ट के स्कोर पर ये आपको एडमिशन देगी बेटा अपने यहाँ पे ब्रांचेज में, अपने कॉलेजेस में, आपके CUET से ये चार कॉलेज रखेगी और तब बेटा आपको क्या करेगी,
एडमिशन देगी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिल करके रखना। जहाँ जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्कोर आ रहा है ना, उसे तो बिल्कुल फिल करके रखना। लास्ट यूनिवर्सिटी है आपकी मानू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के अंदर है, एक ही कोर्सेज ऑफर करती है सीएससी। आप लोग इसे फिल करना, आपको कोई दिक्कत हो मुझे बताना। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ से बीटेक कर चुका है सीएससी से, अच्छा खासा पढ़ा है बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बेटा हैदराबाद तो पूरा आईटी का हब है, हैदराबाद के गली गली के नुक्कड़ पर आपको आईटी इंजीनियर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रौला है हैदराबाद का, ठीक है ना। आईटी कंपनियां बहुत सारी, आप यहाँ से बीटेक करोगे, आपको जो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग करने जाना, इंटर्नशिप करने जाना, आपको जगह जगह पे कंपनियां मिल जाएंगी, आप जाके इंटर्नशिप कर लेना, बहुत अच्छी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा हैदराबाद को चूज़ जरूर करना। मैंने क्या कहा यार, कॉलेज मैटर नहीं करती, कॉलेज हल्का भी हो तब भी चलेगा अगर बच्चा मेहनती है, अगर बच्चा हार्डवर्क करे ना, अगर पैशनेट है अपनी इंजीनियरिंग को लेके, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के संग अच्छा करता है वो बच्चा इंजीनियरिंग, कॉलेज मैटर नहीं करता। हैदराबाद बहुत अच्छी सिटी है यार, एक बार जाके तो देखो। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बस यार इसका एक ड्रॉबैक है, इसने अपने सब्जेक्टों में उर्दू भी कंपलसरी कर रखा है, उर्दू भी आपको देना है। उर्दू के मार्क्स भी क्या करेगा ये देगा, तो जो लोग यार उर्दू नहीं जानते हैं ना, उनके लिए बड़ा अफसोस वाली बात है भाई, कुछ नहीं हो सकता। इसने उर्दू का स्कोर रखा है, पेपर फिल कर देना यार जाके, फिर भी ऑब्जेक्टिव हो तो तुक्के मार देना, क्या पता लग काम कर जाए आप लोगों का, ठीक है। नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस यूनिवर्सिटी का कि इसने उर्दू कंपलसरी करी है, ठीक है। नहीं, उर्दू कंपलसरी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ यार कोई लैंग्वेज कंपलसरी करनी ही नहीं चाहिए कभी इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज ही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके अलावा आप अदर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज क्या है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। बस इंजीनियरिंग दूसरी कोई भाषा नहीं समझता, उसमें आपकी फिलोसफी काम नहीं करती, इंग्लिश के सेंटेंस काम नहीं करते इंजीनियरिंग के अंदर, समझ रहे हो। काम करता है मैथमेटिकल अप्रोच, फिजिक्स की अप्रोच और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, ये काम करते हैं। तो इसका बेस ही बेटा यही होना चाहिए था। ये टॉप 14 यूनिवर्सिटी थी मेरी तरफ से आपको, ठीक है। नहीं, टॉप 14 यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप इंग्लिश पढ़ना, अगर सारी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो तो भर के चल रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से भरने हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट्स कौन कौन से भरने हैं आपको, ENG LIS H इंग्लिश फिल करके रखना है, आपको मैथमेटिक्स फिल करके रखना है, फिजिक्स फिल करके रखना है, केमिस्ट्री भी फिल करके रखना है, और बेटा इंग्लिश, इंग्लिश में आपको बोल चुका हूँ पहले ही कि इंग्लिश फिल करके रखना है, सॉरी। उसके बाद में बेटा आपको उर्दू फिल करके रखना है, ठीक है। नहीं, उर्दू फिल करके रखना है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको इंग्लिश के अलावा और चलती हो आपकी, आप उसे फिल करके रख सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, बायोलॉजी फिल करके रखना है, बायोलॉजी भी तो पूछा जा रहा है बार बार, देखो तो सही। ये सब्जेक्ट हैं बेटा आपके जो मैंने अभी तक देखे, जो आपके बार 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 आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, जनरल टेस्ट भी ले लेना एक यूनिवर्सिटी का है। और मैं आपको बताऊँ ना यार, जो लोग ये इंग्लिश जनरल उर्दू और ये बायो मांग रहे हैं ना, आप छोड़ दो, भूल जाओ। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर फोकस करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है यार जो इससे एडमिशन आप लोगों को दे रही हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्कोर पर दे रही हैं। आप एक सब्जेक्ट और भी लगा सकते हो, इंग्लिश भी लगा सकते हो, ठीक है, लगा लेना, ये अच्छा ही रहेगा, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। इंग्लिश की तो नॉलेज होनी चाहिए यार, आपको पता ही है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है यार, तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ये तो चार मेरी तरफ से, मैंने जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए मैंने कहा है ये चार सब्जेक्ट तो बेटा फिल कर करना, भरने को सब भर देना, छोड़ना कुछ भी मत, फोकस मेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश पे करना बेटा आप लोग, ठीक है। नहीं, आपका किसी ना किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन निकल जाएगा। हम लोगों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हम लोगों ने बैच बेटा स्टार्ट कर दिया है, अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको फिल कर देना, उस फॉर्म को, उस फॉर्म को मैं फिल करोगे, मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, आपको फीस बताएगी, आपको बैच बताएगी, इस बैच में आप लोग आ जाओ, ठीक है। नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, यूट्यूब पर भी अच्छा खासा कंटेंट देंगे हम लोग आप लोगों को, आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। CUET पहली बार हो रहा है, किसी भी बच्चे का कुछ भी गलत ना हो इस चक्कर में मैं सारा का सारा काम कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार किसी भी चीज़ की, ठीक है। नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप कंपलसरी भर देना, ठीक है। अब जल्दी ही जल्दी हम लोग कंटेंट की वीडियोस अपलोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर आप एक डेडिकेटली बैच पूरा ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ से आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो, यूट्यूब पर हम वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना देख रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, जब आप हमारे पास बैच में पढ़ने आते हो ना, तो हम आप पे नजर रखते हैं कि बच्चा पढ़ किस हिसाब से रहा है, टेस्ट लेते हैं, तो हमें एक आइडिया होता है कि इस बच्चे का ये सब्जेक्ट किस लेवल का है, उस हिसाब से हम आप लोगों को गाइड करते हैं। तो अगर फुल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है तो बैच ज्वाइन करना, बाकी हम लोग यूट्यूब पर अच्छी खासी आप लोगों की हेल्प करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।